नमस्ते दोस्तों, प्रीवियस सेशन में हमने पार्टीज, टीम्स एंड स्टेजेस ऑफ द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में डिटेल में सीखा। अगर आपने प्रीवियस सेशन मिस किए हैं तो पहले आप उन सेशंस को कंप्लीट कीजिए और देन कंटिन्यू विद दिस सेशन। यस, नाउ लेट्स डाइव इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ आईएसओ 19650। ये सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन मैनेज कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेज है असेसमेंट एंड नीड। इस स्टेज में अपॉइंटिंग पार्टी डिसाइड करती है कि काम क्यों किया जा रहा है और प्रोजेक्ट के इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को एस्टेब्लिश करती है। इसमें कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स, OIR, PIR, AIR एंड EIR, द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स, इंफॉर्मेशन डिलीवरी माइलस्टोन्स, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, रेफरेंस इंफॉर्मेशन एंड शेयर्ड रिसोर्सेज, द प्रोजेक्ट्स कॉमन डेटा एनवायरमेंट दैट इज CDE एंड द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। बट बिफोर ऑल दिस, द अपॉइंटिंग पार्टी मस्ट फर्स्ट एस्टेब्लिश द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजर। द इंफॉर्मेशन मैनेजर इज वन और मोर इंडिविजुअल्स फ्रॉम विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम अ थर्ड पार्टी हु लीड्स द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फंक्शन फॉर द प्रोजेक्ट। यस, अब इंफॉर्मेशन मैनेजर एस्टेब्लिश करने के बाद अपॉइंटिंग पार्टी प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। ये स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन क्यों, कब और कैसे प्रोड्यूस की जाती है। द इफिशियंट एंड इफेक्टिव कोलैबोरेटिव प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टार्ट्स विद क्लियर एंड वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। तो दोस्तों, इसे इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट को हम और डिटेल में पार्ट टू में सीखेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। सो रेडी टू टेक योर स्किल्स टू द नेक्स्ट लेवल इन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, तो ज्वाइन करो हमारा एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा इन BIM डिजाइन कोर्स। ये कोर्स स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है आपके लिए जो BIM डिजाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे फिर आप एक स्टूडेंट हो, एक जॉब सीकर हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल। इट इंक्लूड्स मास्टरिंग इन ऑटोकैड, रेविट, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट MEP, BIM 360, सिविल 3D एंड एडवांस टूल्स लाइक नेविसवर्क्स टू अंडरस्टैंड क्लैश डिटेक्शन एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन। ये प्रैक्टिकल कोर्स है जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स थ्रू आपको BIM के स्टैंडर्ड्स जो ISO 9650 है उसे सॉफ्टवेयर में कैसे इंप्लीमेंट करना है ये भी सिखाया जाएगा। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट योर करियर इन BIM डिजाइन इंडस्ट्री। एनरोल नाउ एंड स्टार्ट योर जर्नी टू सक्सेस। यू कैन स्कैन द QR कोड ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन टू सी मोर डिटेल्स अबाउट द कोर्स, और एल्स लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।